दो लड़की बेहोश हुई है, एक तो उसको पूरा हालत खराब है, उसको दिक्कत से ना क्या एडमिट है, लेकिन सभी टीचर उसको देखने के लिए नहीं आए। साहब मुझे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, मांग करते हैं तो कॉलेज प्रशासन फटकार लगा देते हैं, हम लोगों को कई बार प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, परीक्षा कब होना है इसका कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कॉलेज परिसर में नोटिस चिपकाई जाती है ना ही बताया जाता है। यह बातें सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्रा साक्षी ने SDM धनंजय कुमार को कहा। कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर छात्रा उग्र हो गई और SM कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जगह कम होने की वजह से एक विषय का एग्जाम लिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना भी कॉलेज परिसर में चिपका दी गई है। लेकिन छात्रा की मांग थी कि हम लोग दूर से आते हैं, अगर कॉलेज परिसर में हम लोगों के लिए जगह नहीं है तो हम लोगों को क्यों बुलाया जाता। एग्जाम नहीं आता है, पहले हम लोग सुबह गए थे तो बोला गया 9:30 बजे गए थे तो बोला गया था क्या 1:30 बजे एग्जाम होगा, 1:30 बजे जब गए तो बोला गया 2:00 बजे एग्जाम होगा, 2:30 बजे एग्जाम होगा, 2:30 बजे गए तो ऐसे बोलता होता है ना कि बोले कि हाँ तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, भागो तुम लोग यहाँ से, तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। क्या क्या कुछ सुविधाएं वगैरह वहाँ पर आप लोगों को कुछ मिली? 11, 12 दोनों का क्लास था, दोनों का एग्जाम था, दोनों को मिला के बैठा गया, कितना स्टूडेंट था क्या पूछ नहीं सकते। लगभग कितने छात्रों की संख्या होगी एक क्लास में? 1000 से कम नहीं हुआ। कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट का एग्जाम शुरू में हो रहा था? और एक बेंच में एग्जाम होता है, कभी एक पे दो बैठाया जाता है, जानते हैं बेंच पे 4-5 ये कौन सा रूल है। कुछ छात्राओं के बेहोश होने की बात सामने आ रही है, बेहोश हुई है, दो लड़की बेहोश हुई है, एक तो उसको पूरा हालत खराब है, उसको दिक्कत ना क्या एडमिट है, लेकिन सभी टीचर उसको देखने के लिए नहीं आए, पूछने के लिए नहीं आए। प्रिंसिपल का इस पर क्या कहना है? प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले, प्रिंसिपल वहाँ से देख के बोल रहे हैं, आए तक देखने के लिए तक नहीं आए, आता है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सुबह से हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं SM कॉलेज में और बोला जा रहा एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग। उन्होंने कहा कि KK पाठक ने फरमान जारी कर हम लोगों से 75% अटेंडेंस मांगी है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज कैंपस में बैठना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित छात्रा DM कार्यालय पहुंची, जहां पर छात्रा ने SM कॉलेज की अव्यवस्था को DM के सामने रखा। DM से मिलने के बाद मौके पर SDM धनंजय कुमार छात्र से मिलने पहुंचे, छात्रा की समस्या को सुना, फिर SDM साहब खुद SM कॉलेज पहुंच गए और वहां पर प्रिंसिपल से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कई छात्राओं ने SDM धनंजय कुमार के वाहन पर भी हमला कर दिया। कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर 3 घंटे तक छात्राएं हंगामा करती दिखी। इधर हंगामा की सूचना मिलने पर जाप के छात्र नेता दर्जनों की संख्या में पहुंचे और कॉलेज की अव्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने कहा जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया है। छात्र नेता ने बिहार सरकार से शिक्षा विभाग के सचिव KK पाठक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब KK पाठक की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है तो यह भी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है कि उनको बैठने की जगह दी जाए। वहीं SDM धनंजय कुमार ने कहा कि हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी कॉलेज प्रशासन से ली है। कॉलेज में जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र आक्रोशित हो गए। हम लोगों ने मिलकर छात्रा से बातचीत की, फिलहाल छात्राएं मान गई हैं, कॉलेज प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाई जाएगी कि आगे परीक्षा कब होनी है, हम लोग इसको देख रहे हैं। व्यवस्था नहीं और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो जनरल प्रोसीजर होता है एग्जाम का, वो नहीं था, जिसके कारण कुछ मतलब इंफॉर्मेशन की कमी हुई। फिर बाद में कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 28 के बाद एग्जाम होगा, वो भी मौखिक बताया गया। अभी क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार प्रिंसिपल साहब से बात करनी थी। बेहोश होने की बात सामने आ रही है। हाँ, ये बच्चे बता तो रही है, यही मैं बोल रहा हूँ मैं, एक बार मैं प्रिंसिपल साहब से बात करके ये चीज़ें बराबर लगभग दिखा जा रहा है कि बच्चियाँ जो है उसमें भी बच्चे जो है क्योंकि एक ढंग से देखेगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षा के कुछ सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मामला था इंटरमीडिएट 11-12 की मंथली एग्जाम के लिए, मंथली एग्जाम एक बैच कल शेड्यूल आया, हम लोग आज से एग्जाम कराने के लिए एक बैच 1500 विद्यार्थी यहाँ पर आ गए और हमारे पास उतना सफिशियंट जगह नहीं है।
अभी यहाँ पर पार्ट टू और पार्ट थ्री की एग्जाम चल रही है। इवेल्युएशन पूरे 252 टीचर यहाँ पर इवेल्युएशन कर रहे हैं, पूरा जगह की कमी थी। हम लोग उन्होंने फिजिक्स का 11 का परीक्षा ली, उसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया, उसका सेकेंड सीटिंग के पहले ही वो लोग इतना हंगामा कर दिया जिससे कि वह बेकाबू हो गया, जिससे कि हम लोग सफिशियंट जगह नहीं रहने के कारण हम लोग ने 28 तारीख तक स्थगित किया परीक्षा। 29 तारीख से परीक्षा हम लोग 29 के बाद नहीं नोटिस बहुत पहले चिपका है नहीं तो हम कैसे जानते हैं। जब लड़की लोग 2:30 बजे यहाँ पर तबीयत खराब हुआ लड़की का गई, तब 2:30 बजे के बाद हम लोग को पता चला कि मैंने एग्जाम देने में ये लोग असमर्थ है, बैठने की जगह नहीं है। अच्छा तब हम नोटिस किए। छात्रा का सर आरोप था कि कहीं भी कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है, हम हर छात्रा को लिखित लेते हैं और 3 दिन के अंदर में उसका सोल्यूशन करते हैं। ये जब से मैंने बना है यहाँ पर, कोई छात्र का चाहे छात्रावास हो चाहे कोई लड़की हो, स्कूलों का एकदम फ्री है कि कोई लड़की आकर हमसे बात कर ले और हम उसका सोल्यूशन तुरंत करते हैं, चाहे वो क्लास की हो। भले क्लास में सब लड़की लोग आती, 3,500 लड़की आती नहीं है, आज एग्जाम के दिन आ गए थे तो यही कहा गया कि परीक्षा जब हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास में नाम काट दिया जाएगा। क्या आज परीक्षा स्थगित? आज एक पेपर वही तो कहे फिजिक्स की परीक्षा हुई, बाकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया जगह को देखते हुए। 29 से हम लोग परीक्षा शेड्यूल जारी कर रहे हैं। परीक्षा जगह नहीं है क्या है? सब हमारे यहाँ आए थे बहुत लोग इंस्पेक्शन में, तो देखे कि लड़की मैंने ज़्यादा हो जाती है, क्लासरूम कम हो जाता है, इसके लिए हम लोग का अब हम लिख कर दिए हैं बेंच टेबल अधिक लाने के लिए और उसके बाद हम लोग क्लासरूम करेंगे। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है, हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। न्यू होटल चिन्मय कटलबारी रोड तिलका मांझी भागलपुर।